दबंग राजनीतिक परिवार के करीब आधा दर्जन लोगों ने एक बुजुर्ग को पहले लाठी डंडों से पीटा, फिर कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी। बुजुर्ग खेत की रखवाली कर रहे थे, उसी वक्त उन पर जानलेवा हमला कर आरोपी भाग गए। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। छतरपुर के अतरार गांव में खेत की रखवाली कर रहे एक बुजुर्ग और मजदूर पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। लगातार पीटने के बाद बुजुर्ग पर कुल्हाड़ी से वार कर फरार हो गए। बुजुर्ग के परिजनों को जैसे ही घटना की खबर लगी, वे तुरंत घायल बुजुर्ग को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वहीं घायल मजदूर का अस्पताल में इलाज जारी है। मौत से पहले बुजुर्ग ने हमलावरों के नाम बताए थे, जिसके आधार पर परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन बुजुर्ग के परिजनों का आरोप है कि आरोप पक्ष राजनीतिक रसूखदार परिवार से आता है, बीजेपी का नेता है, इसीलिए पुलिस उसे बचाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। एसपी का कहना है कि मृतक के परिजनों के बयान के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। फूटे अति मनोज मिश्रा और बबलू तिवारी जम्मू काची राम नारायण मिश्रा मुन्ना मिश्रा और दो को पहचानो नहीं है हमने। अच्छा, कहाँ कहाँ मारू? अरे हाथ टूटा रे दो कलियाई टूट गई, मुड़ फोर मुड़ में तो कुलारी घली है आपके। कुलारी घली जो कचु घलो। छतरपुर जिले के थाना सटई अंतर्गत ग्राम अतरार में एक वृद्ध हैं 70-75 साल के, जिनकी मृत्यु हुई है। इसमें प्रथम दृष्टया 300 का जो अपराध है वो कायम किया जाएगा, और जो बयान और तथ्य साक्ष्य जो टेक्निकल एविडेंसेज आएंगे उसके आधार पर आगे की विवेचना भी की जाएगी। इसमें अभी तक की जो जानकारी है, पूर्व में लगातार पंचायत में लगातार लड़ाई झगड़े विवाद की संभावनाएं और एक दूसरे के प्रति शिकायतें की जा रही थी, और जो भी वास्तविक घटनाक्रम रहा होगा उसके आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई इसमें की जाएगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।